तो स्वागत है आपका हैकिंग वर्ल्ड के अंदर। सच में क्या आपको भी ये चाहिए? तो फिर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हैकर बनना नहीं चाहते लेकिन हैकर दिखना जरूर चाहते हैं। क्यों, शौक है इसलिए दिखना चाहते हैं, और इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है कि हमें भी कुछ ऐसा वर्क करना है और उससे हमें ये दिखना है। अगर आपको ये देखना है तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ। और अब आगे देखते हैं, आप देख रहे हैं हैकटेक ट्रैकिया, और आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना है यहाँ पे जाके, हैकर टाइप। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, हैकर टाइप लिखना है यहाँ पे है geekprank.com। सिंपल, दिस इज दी वेबसाइट। अगर आपको पहले वाला जैसा चाहिए तो आप ऑटोमेट पे क्लिक कर सकते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया है, वापस से दिखा देता हूँ। ये बहुत ही गजब लगता है और इसमें आप टाइपिंग खुद भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इन सबको डिस्क्लोज करके और फिर दिखाता हूँ ये चीज़ क्या है। तो ये एक वेबसाइट के ऊपर एक इंटरफेस ओपन हो गया है, और फिर आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी को भी दिखा सकते हैं, आप कंसोल खोल सकते हैं, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये खोला और मैंने कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, और एक टाइपिंग वाली फीलिंग के साथ एक हैकर वाली फीलिंग कम्प्लीटली आ रही है, और एक कोडर से मैं अभी, और इधर ये मैंने एक ये भी चला दिया, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो मैं वापस से बंद करता हूँ और आपको थोड़ा सा इसका इंटरफेस दिखाता हूँ। ये बिटकॉइन माइनर, आपका बिटकॉइन माइनिंग हो रही है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कमा रहे हैं बहुत जच के, और किसी को भी दिखा सकते हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि हम भी बिटकॉइन माइन करते हैं। अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं और देखते हैं पासवर्ड क्रैक का है, तो ये ब्रूट फोर्स करता है। क्या आपको पता है आपको करना है ब्रूट फोर्स? यहाँ पे आईपी एड्रेस डालते हैं और हम यहाँ पे पास डेटाबेस डालते हैं एडमिन, और इसको भी एडमिन ही रहने देते हैं, और हम वापस से इसको रीस्टार्ट क्रैक करते हैं। क्रैक हो चुका है, मैंने इसको पहले किया था, तो अब वापस से करते हैं स्टार्ट। ब्रूट फोर्स अटैक पे क्लिक करते हैं और ये देखते हैं क्या करता है। जब तक ये ब्रूट फोर्स कर रहा है, ये प्रैंक क्या कुछ भी नहीं है, और जब तक हम कुछ और चीज़ें देख के आ जाते हैं, और जैसे कि हम इंटरपोल डेटाबेस, क्या बात है, ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, इंटरपोल डेटाबेस सीधा ही। यहाँ पे एक कैमरा चल रहा है, मतलब नज़र रखे हुए हो किसी ना किसी के ऊपर, बहुत खतरनाक काम है, ऐसा काम नहीं करते हैं। वापस से वो रीलोड हो रहा है और अब देख लेते हैं रिमोट कनेक्शन। रिमोट कनेक्शन में क्या होता है? रिमोट कनेक्शन में टाइपिंग होती है, वाह इट्स परफेक्ट, और पीछे कुछ और भी खुला है साथ में, मेन सर्वर, वो वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके ओके, एक्सेस डिनाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्सेस डिनाई। मेरा मन कर रहा है मैं इसी को एक वो डाल दूँ, थंबनेल में डाल दूँ। तो और आगे और भी बात कर लेते हैं, न्यूक्लियर प्लांट। सच में एक ऐसा न्यूक्लियर प्लांट मेरे को भी चाहिए। हेडक्वार्टर सर्विलेंस, ये देखो तुम, मतलब कि हेडक्वार्टर पे आपने नज़र रखी हुई है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैंने कैमरा हैक कर रखा है। ओके, तो ये सच में एक प्रैंक है, बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू पे चलते हैं और यहाँ पे आप इसको ऑटोमेट करके डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं। मैंने ऑटोमेट पे क्लिक किया और ऑटोमेटिक विंडोज ओपन हो गई, जो दिखने में बहुत ही कूल और ड्रास्टिक लगती है। मैं वापस से टाइपिंग करने में, टाइपिंग करने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो बस यही है, लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ अगर आप बोले तो। चलो दिखाई देता हूँ, एक और वेबसाइट है, हैकर टाइप ही लिख दो यहाँ पर। वो इससे ऊपर वाली वेबसाइट है, वो कुछ नहीं करती, जैसे अपने नीचे वाली टाइपिंग होती है, यहाँ पे सिर्फ टाइपिंग होती है, लेकिन नीचे वाला और भी बेस्ट है। वो बिल्कुल ओपन विंडो की तरह खोलता है और यहाँ पर भी आप टाइपिंग कर सकते हैं और किसी को दिखा सकते हैं। आप बहुत अच्छे कोडर हैं और आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये सच में इंटरेस्टिंग है, और आप अपने बॉस को भी दिखा सकते हैं कि मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करिए। ओके, अब आ ही गए तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है। अगर आए गए तो एक चीज़ के बारे में और बात कर लेते हैं, ई डेक्स यू आई, इतनी गजब चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, आपको ओपन करके दिखाता हूँ, लेकिन रिसोर्सेज ज़्यादा लेता है, और अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए या वीडियो कट जाए तो मुझे दोष मत देना, लेकिन ये सच में इसका वेलकम भी बहुत गजब है। आप देखिए, आवाज़ सुनी सुननी होगी, बहुत अच्छी लगी, और ये वेलकम बहुत अच्छा करता है, मेरे को मज़ा आ जाता है इसका वेलकम सुन के। और हाँ, अगर ये वीडियो लैग कर रही होगी, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लेता है, सच में बहुत ज़्यादा लेता है। इसमें भी है ना, आप जब टाइपिंग करते हैं तो बहुत अच्छी आवाज़ आती है, मैकेनिकल टाइपिंग की आवाज़ आती है। आप यहाँ पे CMD की कमांड रन कर सकते हैं अपने PC के अंदर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये धीरे धीरे ओपन तो हो रहा है, होने देते हैं इसे ओपन, ये रिसोर्सेज ज़्यादा लेता है वैसे, सच्ची बताऊँ। लेकिन आप इसे चलाएंगे, उसके साथ कोई एप्लीकेशन ऑन नहीं रखेंगे, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पर आप अपने CMD की, जैसे कि मैंने बोली, वो कमांड्स रन कर सकते हैं, और यहाँ पे टू पर आके आप नया टर्मिनल खोल सकते हैं। तो यही था आज का टॉपिक, IP कॉन्फ़िग, जैसे कि मैंने लिखा,
अभी इतनी तेज टाइपिंग करके आया हूँ ना, ऐसा लग रहा है मैं क्या धीरे 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 लिख रहा हूँ।